फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मटन राइस की एक बहुत ही टेस्टी, यमी और डिलीशियस रेसिपी। तो चलो अब हम से बनाना शुरू करते हैं। हमने अपना पैन जो है गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें हम जो है रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। इसे हम थोड़ा हीटअप होने देंगे। अब हम इसमें जो है अपना 1 मीडियम साइज ओनियन इस तरीके से चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से हमें फ्राई करना है। अब हम इसमें एक बड़ा तेज पत्ता ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा और एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हमें पूरा गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए हमारे ओनियन जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना जो है बॉइल हमने मटन किया हुआ था 1/2 kg वो ऐड कर देंगे। से हम जो है मिक्स कर देंगे। साथ ही 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मटन जो है वो फ्राई हो चुका है ओनियन के साथ। अब हम इसमें जो है 4 बाउल राइस ऐड कर देंगे, यानी कि 1/2 kg हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। अब जो है हम इसमें अपना साल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जितना हमें खाना है उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा साल्ट पड़ता है, क्योंकि राइस भी इसमें जो है साल्ट एब्जॉर्ब करता है। साथ ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर का ऐड कर देंगे और जो है हम 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है मीट मसाला ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम जो है मिक्स कर देंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम 2 मिनट जो है इसे इसी तरीके से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। हमने इसमें 4 बाउल यानी कि 1/2 kg राइस ऐड किया था। बाउल से मेज़र किया तो 4 बाउल आए, तो अब हम इसमें जो है उसी सेम बाउल से मेज़रमेंट किया हुआ 6 बाउल जो है मटन स्टॉक, जो हमने मटन बॉइल किया था उसका स्टॉक जो निकला था वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से जो है हम मिक्स कर देंगे। जो है हम इसे कवर कर लेंगे और 15 मिनट्स तक हम इसे कुक कर देंगे। हमें इसे जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और हमें इसका जो है लिड 1/2 जो है इस तरीके से ओपन कर रखना है जब तक कि हमारा जो है राइस जो है 1/2 कुक ना हो जाए। उसके बाद हमें इसे फुल कवर कर देना है। देखिए अब हम अपनी लिड जो है फुल कवर कर देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम दम के लिए रख देंगे 5 मिनट्स के लिए। देखिए इसे दम पे जो है 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी मटर राइस की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देंगे। इससे जो होगा इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही हम इसमें जो है ड्राई मिंट ऐड कर देंगे और इसे हम ढक के इसी तरीके से गैस पे रख देंगे और फिर इसे हम सर्व कर देंगे। देखिए हमारी मटन राइस की रेसिपी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और देखिए हमारे जो राइस है कितने खिले खिले बने हुए हैं। आप इसे रायते के साथ ले सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ ले सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनती है और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।